नमस्कार दोस्तों, अर्ली उड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, घंटी आएगा उसको दबा देना और वीडियो को शेयर कर लेना ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही मिले और सभी लोगों को, दोस्तों को मिले, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है मोरेटोरियम इंटरेस्ट को लेकर, ब्याज माफ़ी को लेकर, मोरेटोरियम एक्सटेंशन को लेकर, वो सारी परेशानी सॉल्व हो सके हमारी वीडियो को देखते हुए, ठीक है। और दोस्तों अर्ली उड को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लो या मेंबरशिप ले लो, उनसे आपको ढेर सारे बेनिफिट होगा और आपको कॉल सपोर्ट इमीडिएटली मिलेगा, ठीक है। इमीडिएटली कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, फिर कुछ आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए किसी तरह का, पैसे वगैरह अर्निंग करने के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, यूट्यूब से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी, गूगल से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत परेशानी, वेबसाइट से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत परेशानी, ऑनलाइन किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं इन सब से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको 599 वाला प्लान लेना पड़ेगा मेंबरशिप का। ये सब ले लेना, आपकी सारी दिक्कत परेशानी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ हम आपको अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं वो भी हेल्प कर देंगे आपको 599 पर मंथ में, ठीक है। तो ये ले लेना। और अब चलते हैं दोस्तों, यदि आपको किसी तरह का क्रेडिट कार्ड लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड है तो आप मेंबरशिप ले लो, हम आपको इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हड़कंप मच गया, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेना, 3-4 मिनट का वीडियो होगा आप लोगों की डिमांड पे हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। हड़कंप मच गया, हड़कंप मचा, कैसे हड़कंप मचा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मच गया, ठीक है। और सख्ते में सरकार, सख्ते मतलब एक तरह से समझो सरकार परेशान हो गई, सरकार समझो हिल गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और जितने भी लोन आपका चल रहा है, क्रेडिट कार्ड है, वो इन सभी से रिलेटेड जानकारी इसमें बताएंगे। तो दोस्तों आरबीआई भी परेशान, सरकार भी परेशान, बैंक भी परेशान, यानी ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज के डेट में कर दी है जिनको लेके सभी लोग परेशान हो गए, ठीक है। सभी लोग परेशान, पूरी की पूरी इकोनॉमिस्ट परेशान, पूरी की पूरी मुंबई परेशान, पूरी शेयर मार्केट परेशान, पूरी हड़कंप मच गया, ठीक है। अब यही चीज सोचिए जरा, यदि मैं आपको बोलूं जो आपके ऊपर पहले बकाया था 10,000 रुपए और आज के डेट में बकाया हो गया आपके पास 1,00,000 रुपए, तो आपका सर नहीं चक्कर खाएगा, हड़कंप नहीं मचेगा आपके अंदर? और यदि आपको पहले हम बड़े प्यार से बोलते थे और आज के डेट में हम बड़े ऐसा कुछ आपने कर दिया, किया तो नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी यदि आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से कुछ ऐसी बात होगी जिनसे जिसको सुनते ही हड़कंप मच गया, तो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी दोस्तों, ये चीज जो मोरेटोरियम ब्याज को लेके मैंने बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख तक सुनवाई है, ठीक है। तो उनसे पहले भी सुनवाई हो सकती है, ठीक है, जिस डेट में नंबर आएगा। तो आज के डेट में केस की सुनवाई थी मोरेटोरियम केस को लेके जो चल रही थी ना, जून से जो सुनवाई चल रही थी, उस सभी केस का आज के डेट में मोरेटोरियम बैंक और आरबीआई से रिलेटेड आज के डेट में सुनवाई थी। तो इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तगड़ी टिप्पणी कर दी है, इतनी तगड़े तरीके से फटकार लगाई है, जिसको लेके हड़कंप मच गया, सारे डिपार्टमेंट में हड़कंप, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हड़कंप, बैंकों में हड़कंप, आरबीआई हड़कंप, सब सकते में। तो ऐसी क्या बात हुई? ऐसी बात ये हुई दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो इकोनॉमी, जो लॉकडाउन लगा था, ये लॉकडाउन किसने लगाया था? ये लॉकडाउन, ये देखो, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट्स लॉकडाउन इम्पोजिशन, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट सेज प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है, अर्थव्यवस्था में जो प्रॉब्लम है, ये क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट्स लॉकडाउन इम्पोजिशन, गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाई थी इन्हीं के वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ये लाइन की, इस लाइन का मतलब समझ लेते हो तो न्यूज ही क्रैक हो जाएगा, न्यूज ही आप समझ जाओगे, समझ बात को। तो यही चीज़ है, कहने का मतलब ये है, जो ये सारा का सारा सिचुएशन, ताना वाना जो बुना गया, इसका जड़ क्या है, एक ही चीज़ है, लॉकडाउन इम्पोजिशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है, जिसने लॉकडाउन लगाया, समझ के बात को। अब इसीलिए सारे चीज़ सरकार पे, अब आरबीआई ने, बैंकों ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, आप आंख बंद करके सारा डिसीजन आरबीआई पे या बैंकों के ऊपर कैसे भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आदमी का जो हेल्थ है वो पैसे से बढ़ के थोड़ी ना है, जो जून में सुनवाई हुई थी तो बताया गया था ना, उसमें जो हेल्थ जो है वो बहुत बड़ी इशू है, यानी इस दुनिया में, इस अर्थ में, इस इंडिया में, यानी भारत में पैदा होने वाला हर आदमी को जीने का अधिकार है, आप किसी से जीने का अधिकार नहीं छीन सकते,
सर्वाइव का अधिकार नहीं छीन सकते, किसी को बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते। हर आदमी की, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो यही बात तो है। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, एक तरह से आदमी को इतनी तरीके से परेशान करना, मरने के ऊपर या परेशान होने के ऊपर मजबूर करना, तो आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा ब्याज के ऊपर। ब्याज से लोन, ऐसे ही लोन लोग लेते हैं, जब परेशान होते हैं तो ही लोन लेते हैं। अब उसके बावजूद, लोन लेने के बावजूद जब ब्याज के ऊपर ब्याज इतना लगेगा तो तगड़े तरीके से, तो आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप इतनी तगड़ी वाली बिजनेस कर रहे हो और ये बिजनेस करने का टाइम नहीं है। आप इतनी इस तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस के चक्कर में आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप मुझे एक सप्ताह के अंदर अपनी एफिडेविट डालिए, ठीक है। आप एक सप्ताह के अंदर एफिडेविट डालिए और उसके बाद हमें बताइए जो आप मॉरेटोरियम पीरियड में जो ब्याज लग रहा है इस पर क्या कह रहे हैं और क्या आपका मानना है। और दूसरा, ये मॉरेटोरियम पीरियड जो एक्सटेंशन होने के, एक्सटेंशन करने के ऊपर भी इसमें दलील दिया गया एडवोकेट की तरफ से, जब तक इस केस की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तब तक के लिए ये मॉरेटोरियम को बढ़ा दिया जाए। तो इन सब चीजों से लेके बहुत बड़ी हरकंप मच गया। अब आप सोच सकते हो, ये न्यूज को वेरीफाई कर सकते हो, गूगल पर जाना है आपको, मॉरेटोरियम या मॉरेटोरियम एक्सटेंशन डालना, तो यहां पर आपको सारी चीज निकल के सामने आ जाएगा। देख रहे हो, एनडीटीवी का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, मनी कंट्रोल का है, हर किसी ने इस चीज को जिक्र किया है। तो अपने आप में ये देख रहे हो, डोंट हाइड बिहाइंड आरबीआई, टेक ऑन स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट रैप्स सेंटर टू लोन मॉरेटोरियम एक्सटेंशन। समझ रहे हो बात को? आप आरबीआई के पीछे मत छिप जाओ, समझ रहे हो? तो आरबीआई का छाया एक ऐसा पेड़ है जिसकी लंबाई काफी ज्यादा है, तो आप उसके ऊपर, उसके पीछे छुप के कब तक आप भागेंगे? तो इसीलिए आपको जवाब देना पड़ेगा, अपना स्टैंड ले लो, आप मुझे जवाब दे दो सुप्रीम कोर्ट में। ये अगली सुनवाई जो है 1 सितंबर को है, तो बहुत तगड़ी उस डेट, 1 सितंबर का दिन जो है अपने आप में बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि मॉरेटोरियम भी ख़त्म हो चुकी होगी 1 सितंबर को, और 1 सितंबर को मुझे लगता है जो 100% जो है मॉरेटोरियम बढ़ेगा, क्योंकि इस आज के डेट में ये जिक्र हो गई थी जो मॉरेटोरियम तब तक के लिए बढ़ा देनी चाहिए जब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी का टाइमिंग देख लो, 3:31 हो रहा है, 26 अगस्त है, बिल्कुल फ्रेश वीडियो है, ताज़ा वीडियो है आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना, आपके लिए, आपके फायदे के लिए ही तो हम इतनी सारी जानकारी लेके आते हैं इकट्ठा करके और अपने वर्ड में बताते हैं, एनालिसिस करके। हम कोई स्क्रिप्ट नहीं, कहीं कोई देख के नहीं बोलते, एक लाइन पकड़ते हैं और उसी को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्ड, जो ये आज के डेट का डिसीजन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी डिसीजन है। यहाँ पर ये देखो, यू कैन नॉट बी इंटरेस्टेड ओनली इन बिजनेस एंड नॉट अबाउट सफरिंग ऑफ पीपल, यानी आप केवल बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, न कि आप जो पीपल, जनता परेशान है उसमें क्यों नहीं ले रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट की जो ये डिसीजन है, टिप्पणी है, इसको लेके सरकार भी परेशान है, हड़कंप मच गया है, आरबीआई में भी हड़कंप मचा हुआ है, और फिर बैंक तो ऐसे ही परेशान है ही, एनबीएफसी ऐसे ही परेशान है, लोन ऐप वाले ऐसे ही परेशान है। अब ये डिसीजन किनका था? ये डिसीजन तो सरकार का ही था, तो सारी की सारी जो है परेशानी किसके लिए, सरदर्दी किसके लिए? सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना कुछ आम जनता के लिए, तो ही जाके कुछ ना कुछ रास्ता है दोस्तों। इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अर्लीवुड को सब्सक्राइब कर लो, मेंबरशिप ले लोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, सीखने का भी मौका मिलेगा, आपके लिए पर्सनलाइज हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हमारा तो व्हाट्सअप नंबर है ही, कॉलिंग का भी नंबर है ही, ईमेल वगैरह है ही, तो मेंबरशिप में आपको जल्दी से जल्दी आपकी समाधान हो जाएगा, ठीक है। और अर्लीवुड को भी आगे बढ़ने में आपको, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तो गलत काम मत करो, हमारे चैनल पे आके उल्टे पुल्टे कमेंट मत करो, इससे क्या होगा, लेडीज भी देखते हैं, जेंट्स भी देखते हैं, हर कोई देखता है, तो आप गलत कमेंट करोगे तो निगेटिव इंपैक्ट आप ही का पड़ेगा, यार कितने गंदे गंदे लोग हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।